Hi friends, welcome back to my channel और मैं हूँ सोनिया जॉयस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. आई हैव रिसेंटली क्रॉस्ड 20,000 सब्सक्राइबर और माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज 50,000 ऑब्वियसली एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट टू हिट दीज सब्सक्राइबर्स. आई नो आई एम वेरी लेट, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं यू नो यूट्यूब पे कि आप इतनी देर से रिएक्शंस बना रहे हो, हमें पता नहीं था. बट उनको शायद ये नहीं पता कि बीच में 14 मंथ्स में अपने चैनल से गायब थी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है. तो आई एम लेट, सो मुझे तब फील होता है यार कि 14 मंथ्स मैंने बीच में मिस कर दिया, नहीं तो ये हमारा चैनल भी जो है वो बहुत यू नो अच्छे सब्सक्राइबर पे होता. पर चले, मैं ये विश्वास करती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए देर नहीं होती है. जब भी आप शुरू करें, मतलब वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा. सो दिस टाइम आई विल बी रेगुलर ऑन माई चैनल एंड आई रियली नीड योर गाइस सपोर्ट यू नो टू take this channel to a new height. So I am looking forward for your support. अगर आपको videos अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर से channel को subscribe करें और videos को like भी कर सकते हैं. So आज हम जो video देखने वाले हैं वो है मौलाना तारिक जमील साहब की, जैसा कि आपने thumbnail पे देख लिया होगा. मैंने last उनका जो video post करी थी वो एक पंजाबी बयान पे किया था और बहुत सारे लोगों ने उस पर request किया कि उनको पंजाबी समझ नहीं आती है और वो सराइकी लैंग्वेज है तो उन्हें उर्दू समझ आती है, तो मैं उर्दू में वीडियो पोस्ट करूं. तो चलें फिर मैंने सोचा कि मुझे जो भी रिक्वेस्ट ऑलरेडी आई हुई है उनकी वीडियो में से, उसी में से मैंने एक वीडियो पिक करी है, तो उस पर उसको हम आज सुनने वाले हैं. सो चलें विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट स्टार्ट द वीडियो. 1, 2 एंड AJ ऑफिशियल पे है ये वीडियो, आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. लिंक आपको वीडियो का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नया साल शुरू हो रहा है, कुछ बच्चे पहली दफा आ रहे हैं, कुछ पहले से यहाँ, तो मैं चाहता हूँ आप ये सफ़र इस तरह शुरू करो कि आपकी ज़बान मोहब्बत का बोल बोले, आपके दिल के तारों पर मोहब्बत के नगमे छिड़ें. ना नफ़रत, ना हसद, ना बुग़्ज़, ना गिल, ना गिश, इन में से कोई चीज़ आपके करीब ना हो, ताकि आप पूरी उम्मत के लिए एक पैगाम मोहब्बत बन के चलो. इसकी सारे बच्चे नीयत करते हो ना, हाँ सारे इसकी नीयत करके चलो. जिसको आप गलत समझते हो समझो, आपके पास दलाइल हैं समझो, लेकिन उसका मतलब नफ़रत तो नहीं. सब नफ़रत नहीं. मैं 3 चिल्ले लगा रहा था, 3 चिल्ले, तो एक गांव में हम गए तो एक मौलाना साहब ने इतनी गालियां निकाली, माँ बहन की गालियां खड़े होकर मस्जिद में, और बिस्तर उठा के हमारे बाहर फेंक दिया और गांव इकट्ठा कर लिया. तो अब मेरा, मैं चूंकि नया कॉलेज से आया था, अब मेरा दिमाग खुद फैसला कर रहा है कि ये मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि हम आशिक रसूल हैं और ये माँ बहन की गालियां निकालता जा रहा है. माँ बहन की गाली निकालना तो इंसानियत के माथे पर दाग है, चीज है कि इल्म और कुरान और हदीस और इश्क रसूल, और ये जिनको गालियाँ निकाल रहे हैं इनको कह रहे हैं गुस्ताख रसूल हैं, ये बोलते नहीं और दुआएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं. हमारा अमीर कह रहा था भाई दुआ करो, भाई अल्लाह इनके दिल बदल दे, दुआ करो. तो मुझे किसी दलील को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हालांकि मैं बिल्कुल नया था, मेरा रायमंड से पहला सफ़र था, पहला. तो उस वाक़े ने मेरे अंदर तरजीहात खुद कायम कर दी कि ये गालियां देने वाला गलत आदमी, ये सही नहीं हो सकता, और ये जो सब्र कर रहे हैं ये सही आदमी. बस ये आप बच्चों से कहता हूँ अल्लाह आपका सफ़र मुबारक करे, आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ. अब आप बहुत ज़्यादा हो गए हो, अगर आप रोज़ाना 2 नफल पढ़ के मेरे लिए दुआ कर दो तो आपका एहसान अजीम होगा. वो मेलसी में ना हम कहते हैं ना जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, तो मेलसी में कहा जाता है अजीम शुक्रिया, अजीम शुक्रिया. तो आपका ये अजीम शुक्रिया होगा अगर आप मेरे लिए 2 नफल पढ़ के दुआ कर दो, मेरी इस्तेकामत की, मेरी हिदायत की. और नहीं पढ़ सकते तो कम से दुआ के लिए हाथ उठा दो, तो आपका वो भी फिर अजीम शुक्रिया है कि मैं जिस उस घाटी से गुजर रहा हूँ ये बहुत खौफनाक है, शोहरत और वाहवा और जिंदाबाद, ये जितना आदमी को रास्ते से हटाने वाली चीज़ें इतनी और कोई चीज़ नहीं. अब उम्र के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं तो मैं भी अल्लाह से रो रो के मांगता हूँ कि या अल्लाह इजअल खैर उमर आखिरा व खैर अमली खवातीमा व खैर अय्याम यौम अल्का कफी है. वो बद्दू वाली दुआ मैं रोज़ मांगूँ, दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा मांगता हूँ, आपसे भी कहता हूँ ये दुआ मेरे लिए मांगो. अल्लाह, ये एक बहुत बड़ी नेमत है किसी की शोहरत अच्छे नाम से,
किसी की मोहब्बत लोगों के दिलों में, इसी से तो आगे सौदा बिकता है। वे लोग बात सुनते हैं, बात सुनते हैं, अमल करते हैं। तो लेकिन इसमें जो मुबतला ही है उसकी जान सूली पे लटक जाती है, कि अल्लाह हर वक्त सामने रहे, मफाद बीच में ना आ जाएं, अगराज ना आ जाएं, शहवतें ना आ जाएं, हवस ना आ जाए, पता नहीं क्या कुछ ऐसे मुंह खोला हुआ है। बलाओं ने और बड़े बड़े अजदहा नुमा बलाएं हैं जिन्होंने मुंह खोला हुआ निगलने के लिए, और कली जान है तो लंबा पेंडा है, न जुत्ती है न सिर ते कपड़ा है। उसे दे तो फैली पार लगना है, कश्ती शिकस्त गाने ए बाद शुत्र बरखेज, शायद के बाज बीनम आ यार आशना। कभी तुम्हें फारसी समझ में आई आती तो तुम इसका मजा लेते। कश्ती पुरानी है, मौजें तूफानी हैं, ए हवाओ अपना रुख मेरे बादबान की तरफ फेर दो, कि इन मौजों से लड़ना मेरी कश्ती के बस की बात नहीं, शायद तुम्हारे झोंके मुझे यार तक पहुंचा दे और मुझे अपने महबूब तक पहुंचा दे। कश्ती में जान कोई नहीं, कश्ती शिकस्त गाने पुरानी बेड़ी ते बैठोया, ए बाद शुत्र बरखेस, ए तेज हवा थोड़ी होर तेजी भी खा, शायद के बाज भी नम्मा यार आशना, शायद मैं अपने महबूब तक पहुंच जाऊं, उसका दीदार कर सकूं। तो मेरे बच्चों, आपको देखने में लगता होगा क्या मौज है, क्या हल्ला गुल्ला है, लेकिन अल्लाह की मैं इसको नेमत कहता हूं, वो है नेमत और इसके जवाल से कांपता हूं, लेकिन मेरा अंदर हर वक्त ऐसे कांप रहा होता कि अल्लाह में कोई कदम ना फिसल जाए, कोई राय ना फिसल जाए, कोई जहन ना भटक जाए, कोई कदम ना बहक जाए, या अल्लाह बस तू पार लगा दे, या अल्लाह तू पार लगा दे, या अल्लाह तू पार लगा। कभी नहीं सोचा था ये सब कुछ होगा, मैंने तो बड़ी गुमनामी का सफर शुरू किया था, और उस वक्त सिर्फ अल्लाह ही सामने था। या अल्लाह तुझे ढूंढने निकला हूं, माँ बाप ने भी घर से निकाला है, तुझे ढूंढने निकला हूं, तेरी याद में निकला हूं, उभा देखा लमा देखा, उचे कोठे ते चढ़ देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिल सम के मर पोसा। राजा गुलाम फरीद वाली बात है कि या अल्लाह तेरे ही तलब में निकला हूं, अल्लाह करे तेरी मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन अब बीच में ये सब कुछ था, मुझे क्या खबर थी। तो इस नेमत के जवाल से अल्लाह बचाए, और इस नेमत में अल्लाह तकब्बुर उजब हवस परस्ती जाह परस्ती माल परस्ती से अल्लाह बचाए। सबसे पहले किसको जहन्नम में डाला जाए पता है? बोलो। सबसे पहले जहन्नम की आग किससे जलाई जाए? अव्वल मन तुसअर बिहिम नार जहन्नम, अल्लामा साहब होंगे, मौलाना साहब होंगे, खतीब साहब होंगे, शेखुल हदीस साहब, मुबल्लिग आजम, खतीब आजम, काफिर से नहीं जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, जानी शराबी तवायफ से जहन्नम की आग नहीं भड़केगी। जहन्नम की आग का पहला ईंधन वो आलिम होगा जिसने अपना इल्म बेच दिया, चंद टकों के पीछे जो बिक गए, सबसे पहले उसको जहन्नम में डाल के आग को भड़काया जाएगा। फिर उसके पीछे शहीद जिसने अपनी शजात को बेचा, उसके पीछे सखी जिसने अपनी सखावत को बेची। तो आप सब बच्चों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे हो, सब मेरे लिए यूसुफ हो, तुम आसिम हो, अली हो,
मेरी मदद करो। अल्लाह मुझे इस घाटी से पार गुजारे आफियत सलामती के साथ। فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے موجی موجی لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے پر میں تو اسے اللہ پہ فٹ کرتا ہوں لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ کہیں ایام ہے کہیں حیات ہے لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ الشَّرَابِ مِنْ وِدَادِكَ صَافِيَا وَشُرْبِي مِنْ مَاءِ الْمَعِينِ السَّرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابِ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں اور آپ کے لیے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں جہاں دعا کے موقع ہوتا ہے تو لہذا جب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لیے کرنا اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے کامیابی سے کامزن ہوں اور موت تک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے نظام آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں آپ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنیں آپ کے اساتذہ یہاں کے ہمارے خادم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے ہر شر سے بچائے السلام علیکم بہت ہی زیادہ ایموشنل بیان تھا میں کافی جگہ ایموشنل ہو گئی تھی سنتے سنتے بکاز وہ جو بیچ میں ایگزامپلس رہتے ہیں نا وہ بڑی ریئل ٹائم ایگزامپلس ہوتی ہیں بہت زیادہ کہتے ہیں نا سٹیک ایگزامپل دیتے ہیں وہ جس جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ وہ ایگزامپل دیتے ہیں اور وہ ایگزامپل اتنی خطرناک ہوتی ہے نا کہ یو فیل اٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ یو ایکچولی فیل اٹ اور بہت ہی مطلب وہ نیکسٹ لیول سپیکر ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی اور بہت ہی انہوں نے اچھی بات کہی شہرت کسی بھی لیول کی ہو کسی بھی لیول کی بلندیاں آپ نے حاصل کی ہوں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے نگیٹو ٹریٹس لے کے آتی ہیں بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ میں نے لائیو اپنی لائف میں دیکھے ہیں جن سے کہتے ہیں نا کہ شہرت یا بلندی جو ہے وہ سنبھالی نہیں جاتی دماغ خراب ہو جاتا ان کا تو اس حساب سے انہوں نے بولا کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے بیکاز الٹیمیٹلی ہیں تو وہ انسان ہی ہے نا ہیں تو ہم ہیومن ہی ان ہیومن کہتے ہیں نا کہ وی کم ود ان ہیومن ایررس سو اس چیز کو وہ مد نظر بول رہے تھے جو اپنے ان کے سامنے جو ینگسٹرز بیٹھے تھے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں ٹھیک ہے اور کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں بیکاز بہت ساری چیزیں انہوں نے ایگزامپلس دی کہ اس میں بہت ساری چیزیں آسانی سے ملتی ہیں اور آپ کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں اپنی راہ سے اور ایک چیز نا میں ان کو سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جیسے ابھی مطلب مولانا صاحب ہیں وہ کس لیول تک پہنچ گئے ہیں میں نے ہارڈلی کسی کو دیکھا ہے میرے چینل کے کمنٹس میں بھی یا میرے مجھے ویسے پرسنلی بھی جو میسیجز آتے ہیں کہ کسی ایک بندے نے ان کی برائی کی ہو بٹ اگر آپ میں نے انہی کے بیان میں ایک بار سنا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ میں میرے برائیوں سے بھی پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے تو تب میں نے ریلائز کیا فرسٹ ٹائم کہ اچھا لوگ ان کے بارے میں بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں سو ابھی میں ان کا بیان سنتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ یار جو لوگ مطلب کبھی کبھی نا ہمارے چینل مطلب ہماری ویڈیوز کے نیچے بہت بہت نگیٹو لوگ لکھتے ہیں بہت غلط غلط لکھتے ہیں تو میں ابھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہی تھی یو گاٹ فیو آنسرز آپ کو اپنے لائف کے بھی آنسر ملتے ہیں جب آپ اس طرح کے کسی شخص کو سنتے ہیں بولتے ہوئے تو میں یہ سوچی تھی میں نے کہا یار مولانا صاحب جنہوں نے یوٹیوب کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے کریئر چلائے ہیں کریئر میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ایوری سیکنڈ ریاکشن چینل جو ہے وہ ان کی ویڈیوز پہ ریئیکٹ کرتا ہے جیسے ہی ان کا چینل شروع ہوتا ہے تو لوگ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب کی ویڈیو پہ ریئیکٹ کیجئے اور بہت سارے چینل آپ ایسے دیکھیں گے جن کے نارمل ویوز بہت کم آتے ہیں مطلب آئی ہیو سین چینل جن کے 50,000 سبسکرائبرز ہیں اور اگر وہ ایک نارمل ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس میں 1,000-1,500 ویوز ہوتے ہیں اور اگر وہ مولانا صاحب کی ویڈیوز ڈالتے ہیں
तो उस पर लाखों में व्यूज चले जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो पर्सनली इस मौलाना साहब से इम्प्रेस होते हैं या नहीं होते हैं, या उनको सिर्फ ये लगता है कि मौलाना साहब की वीडियोस डाल के हमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो इसलिए वो मतलब रेगुलर आई हैव सीन चैनल्स जिन्होंने बाकी सारी वीडियोस छोड़ के सिर्फ मौलाना साहब की वीडियोस ही बनानी शुरू करी हैं। सो मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मौलाना साहब की शोहरत ऐसी है कि यूट्यूब पर वो छाए हुए हैं, एवरी सेकेंड रिएक्शन चैनल जो है वो मौलाना साहब पर वीडियो बनाता है और उनको मिलियंस में उनकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं। तो इस लेवल का बंदा जो मतलब पता नहीं कितने लोगों को और शोहरत दिला रहा है, और उनकी अपनी शोहरत किस लेवल तक होगी, मतलब मिनिस्टर्स तक से वो बात करते हैं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों से वो बात करते हैं। अगर उस लेवल के बंदे को लोग नहीं छोड़ रहे हैं जो हमेशा खुदा की बात करता है, जो हमेशा अच्छी राह पे चलने के लिए लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अगर उस लेवल के बंदे के लिए लोग गलत बात कर सकते हैं तो हम तो बहुत छोटे हैं। सो मैं ये सोच रही थी, बेसिकली मैं इतना ज़्यादा बात कर गई, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब वीडियो के नीचे कुछ नेगेटिव कमेंट आता ना तो मैं बड़ा कह रही थी, मैं कह यार तो फिर हम क्या है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। तो ठीक है, नेगेटिविटी आती है, लोग गलत बोलते हैं, तो जस्ट लेट इट गो ना, तुम अपना काम करते रहो, तुम किस लिए हो यहाँ पे, तुम वो करो, तुम लोगों की बातें सुन के और नेगेटिव फील करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हो। बस यही कहना चाहूंगी इस वीडियो के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। जिन्होंने ये वीडियो पहली बार मेरे ही चैनल पे देखी है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप कैसे इंस्पायर होते हैं, आपको मौलाना साहब की कौन सी बात बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। बिकॉज मैं तो अपनी लाइफ में देखिए, आई डोंट मेक रिएक्शन वीडियो मौलाना साहब की जस्ट टू मेक रिएक्शन वीडियो, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये होता कि हर वीडियो उन्हीं की होती। बट यस, मुझे ये होता है कि अगर मैं इनकी कोई वीडियो देखूं तो इनकी कोई बात अपनी लाइफ में लेके भी आऊं तो मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी करूं, जो चीज़ें मैं सीखती हूं, और ये मेरी आदत भी है। और हर हर बंदे से हमें सीखने को मिलता है, चाहे वो बहुत बड़ी हस्ती हो चाहे वो बहुत छोटी हस्ती हो। जैसे मैंने हमाद की एक वीडियो पर रिएक्शन किया था, उसमें बोल रहे थे वो मोची से भी सीखते हैं, वो टांगे वाले से भी सीखते हैं। तो यू नेवर नो, आप में वो आँख होनी चाहिए, वो दिमाग होना चाहिए सीखने वाला, तो आप किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। सो जस्ट डू लेट मी नो हाउ मौलाना साहब इंस्पायर्स यू एंड योर लाइफ। मैं कमेंट सेक्शंस में वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, और बस इतना ही कहना चाहूंगी इस वीडियो के लिए। वैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोल गई, मे बी शायद मैं इतना बोलने का हक रखती नहीं हूँ, बट जस्ट आई विल वेट फॉर योर फीडबैक्स ऑन दिस वीडियो। ठीक है जी, तो चलें, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे आप अपना सेफ रहें, ठीक है, और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लग रहा हो तो जरूर सपोर्ट करें। चलें, टेक केयर, बाय बाय।